हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समान पाक का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आर एस अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक्स अनुपाते वाई बराबर 3:4 हो तो 3x+3y 7x+3y अनुपाते 7x-3y इस कर्ड क्या होगा पूछ रहा। तो इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या, x बटे y अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, क्या है अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, या हम सीधे कह सकते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर 4 है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इस मान में पुट कर देना है 7x+3y और 7x-3y, इसी में पुट कर दीजिए। x बराबर 3 है तो 7 × 3 + 3 × 4, y की वैल्यू 4 है तो y के स्थान पर 4 रख दिया, फिर 7 × 3 - 3 × 4, अब इसमें 7 × 3 = 21 + 4 = 12, नीचे हो जाए 7 × 3 - 12, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा आपका, इसको जोड़ लीजिए 3 हो गया और ये 33 हो गया, इसको घटाएंगे तो 11 × 2 हो गए 9 हो गया, 9 हो जाएगा, 12 कटेगा ना, 11 × 2 निकालेंगे 9 और 2 × 1 = 0, 3 × 3 = 9 और 3 × 11 = 12, तो ये हो जाएगा 11/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात पूछ रहा था तो अनुपात है 11/3, तो ये आपका आंसर है, इसको लिख सकते हैं क्या 11/3, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन जैसे 32 नंबर वाला क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन सीरियल में है, मैं बताऊंगा जरूर कैसे सॉल्व किया गया। यहाँ x बटे अनुपात है तो बटे करेंगे x बटे y और 3/5 है तो 3/5, अब यहाँ लिखा हुआ 10x + 3y / 5x + 2y, ये आपका दिया गया है, तो हम सीधे लिख सकते हैं, या देखो उस तरह से बताया था, इसको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे तो 10x x बटे y और +3 हो जाएगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से भी y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × x बटे y और × y, क्या हुआ था y से दोनों में ऊपर नीचे जब गुणा अंदर गुणा करेंगे तो नीचे क्या है y से y का क्या करेंगे भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसको कॉमन हो जाएगा और नीचे ये बटे में होके जाएगा, बाहर निकलेगा, क्या होगा यहाँ y था इसको बाहर जब निकालेंगे तो ये बटे में y करके जाएगा, y बटे में y हो जाएगा, या हम कैसे कर सकते हैं देखिए, अब हम क्या किया है, ये 10 मान लीजिए 10x/y और यहाँ 3y/y, ऐसे नीचे भी 5x/y और यहाँ 2y/y, अगर हम देखें दोनों में नीचे हर और अंश में दोनों में 1/y से गुणा किया, 1/y से और इसमें 1/y से गुणा किया, तो मान लें इसमें भी गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा कर दिया, तो मान लें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ से देखिए y से y कट गया, यहाँ से y से y कट गया, तो आपका क्या बचा, आपका यहाँ से देखिए अब यहाँ से y कट जाएगा, इस तरह से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम क्या है, मान लीजिए 1/y = 3/5 है तो 10 × 3/5 और +3, नीचे हो जाएगा 5 × 3/5 और प्लस यहाँ क्या था दो था, यहाँ 2 हो जाएगा, अब यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इसका गुणा करेंगे 3 × 2 = 6 + 3 और यहाँ हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 6×3 = 9/3, 3 से काटेंगे 3×3 = 9 तो बराबर 3, तो इसका मतलब 1/3 इस तरह से आ जाएगा, ये क्या है नीचे 1 हो जाएगा, तो ये आपका रेशियो बन जाएगा, हमारा रेशियो क्या बनेगा, यहाँ आप लिख देते हैं तो 3/1 हो जाएगा, इस तरह से आपका रेशियो बन जाएगा 3/1। यहाँ पर मिसिंग हुआ था, यह गलती होगी, यहाँ पर क्या करेंगे इसको जब काटेंगे ये 3 है तो 3 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको जोड़ेंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा नीचे हो जाएगा
ऊपर 9 हो जाएगा, 6 3 9, नीचे 5 हो जाएगा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 9:5, तो यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पर 9:5, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इसी तरह से लगाएंगे। कैसे लिखा है, ये आपका लिखा हुआ है एक्स बटे 5 बराबर वाई बटे 8 लिखा हुआ है, तो y को x के नीचे ले आएंगे तो x बटे y हो जाएगा। क्या करेंगे इसको, y को क्या है 5 के स्थान पे, और 5 को y के स्थान पे ले जाएंगे, 5/8 हो जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रख देंगे, या तो इसको लिख सकते हैं x अनुपाते y बराबर 5:8, इसका मतलब x की वैल्यू आपका कह सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 8, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं x प्लस 5 और नीचे है y प्लस 8, यहाँ पर पुट करेंगे 8 बराबर 5, x बराबर 5 प्लस 5, और नीचे हो जाएगा 8 प्लस 8, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 10/16, इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 5/8, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, x प्लस 5:8=5:8, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y² = 12:19 हो, तो x = y = क्या होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे, पहले क्या करेंगे 4x² - 3y² और नीचे हो जाएगा 2x² + 5y² अब यहाँ से हम के 12/19 रेशियो में बटे कर दिए, इसके ये बराबर ही है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा क्या इसके साथ में करेंगे और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। कैसे, 19 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 19 × 4x² - 3y² इक्वल टू 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 × 2x² + 5y² हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा 19 × 4 = 76, x² 19 × 3 = 57, y² तो ये 12 × 2 = 24, x² और 12 × 5 = 60, y². अब x एक तरफ, y एक तरफ कर लेंगे, यहाँ से क्या 76x² - 24x² एक तरफ कर लेंगे और इसको 60y², यह इधर प्लस माइनस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा तो 57, तो यहाँ 57y² 557y² हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, 6 में से 4 निकालेंगे 2 निकलेगा और 7 में से 2 निकालेंगे 5x² हो जाएगा। अब यहाँ से 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, इसको जोड़ लेंगे, ये यहाँ इधर 7 और 7 7 5 11, y² हो जाएगा। तो 13 से कटे, 13 चौका 52, x² 13 9 117 y². अब यहां से हम लिख सकते हैं 4x² = 9y², यहां से हो जाएगा x² / y² = 9/4। अब यहां से स्क्वायर इधर लग जाएगा कांडी, तो x/y बराबर हो जाएगा कांडी हो जाएगा 9/4, यहां क्या हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो कांडी लग जाएगा, तो x/y = 3/4, यहां से वर्ग में 9 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2, 4 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा x = y = हो जाएगा 3:2। तो पूछ रहा था x → y के वैल्यू बताइए, तो x → y = 3:2 हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये आपको क्या करेंगे, इसको एक तरफ ले लेंगे x² + 4y² - 4xy,
तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये क्या है x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर और माइनस 2 into 2x into 2y। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फार्मूला है। इसका मतलब ये ए स्क्वायर है, ए प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू जो आपका x दिया गया है और y की वैल्यू दिया है 2y दिया गया है, 2y दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला किसका है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये जो बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये b होगा। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a बराबर x है, a बराबर x है और b बराबर है 2y है, तो y का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो इधर कार्डिक में आ जाएगा, तो कार्डिक में जीरो अगर रहेगा तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2y, ये इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 2y। यहाँ से अब x बटे 2 को इसके x के नीचे ले जाएंगे, y को इस x के नीचे लाएंगे तो y हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है x और y का रेशियो बताइए, x अनुपात y बराबर 2:1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, ये फार्मूले पे ही रखा गया है। यहाँ देखिएगा आप समझ जाएंगे, ये a है ये b है, तो इसको a और a बराबर x है, b बराबर 2y है, इस पे रख दिया है आपका वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर कर्णी में 0, तो कर्णी में 0 का मान कर्णी में 0 ही हो जाता है, तो x माइनस 2y बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख के आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे ये आपका रेशियो दिया है, तो हम लिख सकते हैं x बटे y, x प्लस y इंटू x माइनस y इक्वल टू लिख सकते हैं 4:1। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x प्लस y में 1 का गुणा हो जाएगा और बराबर 4 का गुणा कर देंगे x माइनस y, इसका गुणा इसके साथ में होगा, इसका गुणा इसके साथ में हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो आपका वही मान आ जाएगा x प्लस y, इसका 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x और इसको y में गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। अब x को एक तरफ y को एक तरफ कर लेंगे, 4x जो इधर है तो इधर हम कर लेंगे या इसको इधर कर लेंगे, 4x माइनस x हो जाएगा और इधर आ जाएगा y प्लस 4y, क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू लग गया। क्या किया, इसको इधर ले आया हूँ और x को इधर ले आए हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इक्वल टू लगा हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5y आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 4x में से 1x घटा देंगे तो 3x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको 5/3 बराबर x बटे वाई, कैसे x को इसके y को x के नीचे लाए और 3 को 5 के नीचे ले गए तो उसका मान इतना होगा। अब इसमें इसमें रख देना है, इसमें रख देना, सीधे हम कह सकते हैं क्या है, x बराबर 5 है और y बराबर 3 है, हम रख सकते हैं आप क्या है x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आवाज नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे, x बराबर 5 है तो 5×25 हो जाएगा और प्लस y की वैल्यू 3 है तो 3×9 हो गया, ऐसे नीचे करेंगे 5×25 हो जाएगा और ये माइनस आपका 9, आवाज नहीं, ये हो जाएगा। अब यहां से क्या करें, 9×5=14 और 3×34 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसमें से घटाएंगे तो 15 + 9=6 और 1=16, इसको और काट सकते हैं तो 17 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया 17×2=14, ये 8 हो जाएगा, इसका मतलब 17/8 हो गया, तो ये हो जाएगा 17:8, ये आपका आंसर हो जाएगा, रेशियो आ गया 17:8, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से 37 नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2a प्लस 3b अनुपाते 3a माइनस 2b बराबर 19:9 हो तो a अनुपाते b का मान बताइए। यहां से लिखेंगे 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस 2b बराबर 19:9, नौ का इसमें गुणा करा, देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, नौ का गुणा 9×2=18 और प्लस
इसका गुणा इसके कर देंगे, 9 3 27 भी बराबर 19 किया 57, 19 का गुणा 3 में करेंगे तो 57 ए, 19 का गुणा 2 में करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 भी हो जाएगा। अब बी को एक तरफ, ए को एक तरफ कर लेंगे, 18 ए माइनस इसको इधर लाएंगे तो 57 ए हो जाएगा माइनस 38 बी, 27 को इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 27 बी हो जाएगा। अब इनमें से घटा देंगे, 7 में से 8 निकालेंगे तो 17, 17 में से 8 में 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3 ए हो गया। इधर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 7 15 हो जाएगा और 3 2 1 5 1 6 6 भी हो जाएगा। तो यहां से देखिए ए बटे यहां से बी, इसके नीचे ले आएंगे और यहाँ 65/39 हो जाएगा। क्या करेंगे, बी को ए के नीचे लाएंगे और 39 को 65 के नीचे लाएंगे और 13 3 39 और 13 5 65 तो आपका हो जाएगा 5/3। तो आपका ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन देखें। यदि 3a प्लस 5b अनुपाते 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपाते b का मान बताइए। तो यहां से लिखेंगे देखिए 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b ये हो जाएगा बराबर 5/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ में, इसका साथ इसी में, तो 5 का गुणा इसके साथ में कर देंगे और 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो वही मान लिखा जाएगा जो मान पहले से दिया गया है। और 5 का गुणा करेंगे तो 5 3a - 5b, यहां से होगा 3a + 5b इक्वल टू 5 3 15 हो जाएगा, 15a और 5 25b हो जाएगा। अब यहां से 3a इसको इधर लाएंगे तो -15b, 15a और इसको इधर लाएंगे तो -25b और -5b हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12a और ये इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 30b हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं यहां दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा, पिछले वीडियो में आप माइनस नहीं लिखा था तो क्या हो जाएगा, वो दोनों माइनस कट जाएंगे इसलिए नहीं लिखा था। यहाँ पर a बटे b हो जाएगा और ये हो जाएगा 30/12, तो 6 से काटेंगे 6 2 12 और 6 5 30 हो जाएगा। तो a बटे b बराबर 5/2 हो जाएगा, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5:2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यदि लिखा हुआ 40 नंबर, यदि 4a - 5b बटे 4a + 5b इक्वल टू 1/6 हो तो a अनुपाते b का मान बताइए। इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 6 में इसके साथ में, तो 6 × 4a - 5b और ये इसके साथ में गुणा तो मान आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान वही उतर जाएगा 5b हो जाएगा। अब 6 का गुणा कर देंगे, 6 6 24a और 6 5 30b ये हो जाएगा और 4a + 5b ये होगा। अब क्या करेंगे, 1 को 1 तो 24a, a को एक तरफ कर लेंगे 4a हो जाएगा और 5b ऐसे रहने देंगे, इसको -30b को इधर लाएंगे तो 30b हो जाएगा। इन दोनों में से घटा 24 मान से 4 घटाएंगे तो 20a बचेगा और ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35b हो जाएगा। अब a बटे b क्या करेंगे, b को इसके a के नीचे ले आएंगे और 35 के नीचे 20 को ले आएंगे, 35 को नीचे 20 को लेंगे, 5 से काटे 5 5 7 35 हो जाएगा। तो a बटे b बराबर हो जाएगा 7/4 या हम कह सकते हैं a अनुपात b बराबर 7:4, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 40 तक के क्वेश्चन समाप्त हुए और 41 आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।